प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हाउ कैन बी आउटपुट डाटा टू द ब्राउजर। हम पीएचपी के अंदर जो डाटा है उसको ब्राउजर पर कैसे आउटपुट करवा सकते हैं, ठीक है। द वेरियस स्टेटमेंट्स टू आउटपुट टू ब्राउजर आर। अब जैसे हमने जावास्क्रिप्ट भी की थी, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो आउटपुट करवा रहे थे डाटा को वेब ब्राउजर के ऊपर, तो वो थी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। और उसके अंदर हम जो भी जावा के अंदर का जो भी डाटा होता था उसको उसके अंदर हम डिस्प्ले करवा देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब पीएचपी, तो पीएचपी के अंदर जो हम आउटपुट करवाएंगे ब्राउजर के अंदर, तो वो है प्रिंट स्टेटमेंट। सबसे पहले करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट। द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले डाटा। तो पीएचपी का जो डाटा है वो हम करवाएंगे प्रिंट स्टेटमेंट से। तो चलिए चलते हैं ड्रीम वीवर के ऊपर। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रीम वीवर ओपन करके रखा हुआ है, फाइल ओपन है। हम इसको सेव करें test27.php नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम कोड php क्लोज, और यहाँ पे हमारी पहली कौन सी थी प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं वेलकम इन php, सेव। उसके बाद चलते हैं वेब ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पे लोकल होस्ट test27.php वेलकम है php, ठीक है। तो php ने जो आउटपुट किया ब्राउजर के ऊपर वो किया प्रिंट स्टेटमेंट से, ठीक है। उसके बाद आती है इको स्टेटमेंट। द इको स्टेटमेंट इज ऑल्सो यूज टू डिस्प्ले डाटा लाइक प्रिंट स्टेटमेंट। अब ये जो इको स्टेटमेंट है ये भी सेम यूज होती है डाटा को आउटपुट करवाने के लिए, डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम कोड में क्या चेंज करेंगे, सिर्फ प्रिंट एफ की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इसको भी रहने देते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं यहाँ पे इको हाई php, सेव। ये देखो हाई php, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ब्रेक, यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, इसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसके अंदर ही। ठीक है, ब्रेक नेक्स्ट लाइन में दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया ब्रेक ही, तो आपको पता ही है कि अगर हमने नेक्स्ट लाइन में दिखाना तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट एफ। द प्रिंट एफ स्टेटमेंट इज यूज टू टेक द आउटपुट ऑफ मिक्स स्टैटिक एंड डायनेमिक इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन वन और सेवरल वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे प्रिंट एफ का क्या काम रहेगा, जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है ये यूज की जाती है टू टेक द आउटपुट ऑफ मिक्स स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक एंड डायनेमिक बोल रहे हैं हम यहाँ पे, स्टैटिक होती है जैसे मान लो स्ट्रिंग और नंबर्स को आपस में मिक्स डिस्प्ले करवाना है, तो वो काम भी हम यहाँ पे प्रिंट एफ और एक नीचे एस प्रिंट एफ इन स्टेटमेंट के जरिए इस काम को कर सकते हैं, स्टैटिक एंड डायनेमिक इंफॉर्मेशन, यानी कि कहीं पे भी डिजिट को कहीं पे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। स्टोर इन वन और सेवरल वेरिएबल्स, किसी भी एक या बहुत सारे वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होती है हम वहां से उनको सीधा स्ट्रिंग के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। इट इज डायरेक्टली सेंड टू द ब्राउजर, ये भी सीधा ब्राउजर को ही भेजी जाती है स्टेटमेंट, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको, ये दो हो गई यहाँ पे, इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये प्रिंट एफ है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोड प्रिंट एफ, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा हो उसको लिख देता हूँ हेलो सर परसेंटेज डी, ये क्या चीजें होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क कॉमा, और जो हम इनपुट करेंगे जो बोल रहे हैं हम स्टैटिक और डायनेमिक, ठीक है, यहाँ से इनपुट करेंगे
सेमी कॉलन से। अब देखो इस स्ट्रिंग में हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा हेलो सर और यहाँ पे एक इसको बोलते हैं हम स्पेसिफायर, ठीक है, ये स्पेसिफायर है, ये स्पेसिफाई कर रहा है कि हम यहाँ से जो वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं उसको ये यहाँ पे डिस्प्ले करें, या किसी वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करते हैं ना तो उसको ये यहाँ पे डिस्प्ले करें, ठीक है। बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, अब 100 हमने यहाँ से इनपुट किया, इसको ये दिखाएगा स्ट्रिंग के बीच में, ठीक है, ये स्पेसिफाई करेगा बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक। अब देखो यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ ब्राउज़र के ऊपर रन, रिफ्रेश, ये देखो हेलो सर 100 बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक, यानी कि हमने इनपुट यहाँ से की उसको यहाँ पे दिखा रहा है। स्टैटिक एंड इसको बोलते हैं डायनेमिक, डायनेमिक मतलब कहीं पे भी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मतलब कहाँ पे भी, कहीं से भी इनपुट करो कहीं पे भी दिखा दो, ठीक है। अब इसके बाद आती है एस प्रिंट एफ, द एस प्रिंट एफ स्टेटमेंट इज सिमिलर टू प्रिंट एफ स्टेटमेंट बट इट इज असाइंड टू ए स्ट्रिंग बिफोर सेंडिंग टू ए ब्राउज़र। अब एस प्रिंट एफ जो है वो सेम प्रिंट एफ की तरह काम करती है, सिमिलर टू प्रिंट एफ स्टेटमेंट, बट परंतु इसमें एक चीज ये है कि इसको ब्राउज़र पर भेजने से पहले इट इज असाइंड टू ए स्ट्रिंग, इसको बिफोर सेंडिंग टू ए ब्राउज़र, ब्राउज़र पर भेजने से पहले इसको किसी वेरिएबल या स्ट्रिंग के ऊपर हम पहले क्या करते हैं, असाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ ठीक जैसे नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे सिंटैक्स है ये पीएचपी, एक यहाँ पे डॉलर साइन वेरिएबल लिया हुआ है इज इक्वल टू एस प्रिंट एफ, यानी कि पूरी की पूरी जो लाइन थी हमने पहले क्या किया, इसको असाइन किया वेरिएबल के लिए, ठीक है, वेरिएबल के लिए साइन किया, या इसको बोल सकते हैं किसी स्ट्रिंग के लिए इसको असाइन किया। अब उसके बाद इसको हमने इको किया, देखो नीचे, फिर बाद में हमने इसको ब्राउज़र के ऊपर भेजा। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जैसे मान लो ये था यहाँ पे प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब इसको एस प्रिंट एफ, ठीक है, लेकिन एस प्रिंट एफ से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको किसी वेरिएबल के लिए साइन करना पड़ेगा, वेरिएबल कोई भी ले लो, यहाँ मैंने ए ले लिया वेरिएबल, ठीक है। अब देखो ये इसके अंदर स्टोर हुई अभी इंफॉर्मेशन, अब इसको डिस्प्ले करवाना होगा तो इस वेरिएबल को हमें पहले डिस्प्ले करवाना होगा किसी न किसी स्टेटमेंट से, जैसे इको है, ठीक है, इको से एस प्रिंट एफ डायरेक्टली इसको सेंड करेगी ब्राउज़र पे, ठीक है, सेंड होगी ये इको स्टेटमेंट के ही जरिए। रिफ्रेश, ये देखो फिर से वही स्टेटमेंट है, यहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं, हेलो की जगह मैं हाय सर, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यही है, हाय सर 100 बॉटल्स ऑफ कोल्ड, ठीक है। तो ये थी हमारी 4 स्टेटमेंट्स जो पीएचपी के डाटा को वेब ब्राउजर के ऊपर रीडायरेक्ट करेगी, सेंड करेगी, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफायर्स। अब बात आई यहाँ पे स्पेसिफायर्स की, स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, जैसे हम वहां पे यूज कर रहे थे ना परसेंटेज डी, अब देखो परसेंटेज क्या काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है परसेंटेज बी, फर्स्ट पॉइंट है परसेंटेज बी, ये तो मैं आपको पहले परसेंटेज डी को क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका परसेंटेज डी, परसेंटेज डी जो आर्ग्यूमेंट है कंसीडर्ड एज इंटीजर प्रेजेंटेड एज साइंड डेसिमल नंबर, ये जो कंसीडर करता है इंटीजर को जो भी डेसिमल नंबर के अंदर प्रेजेंट होता है, अगर हम किसी भी वैल्यू को साइंड डेसिमल मतलब डेसिमल नंबर्स में भी लिखते हैं तो उसको ये सिर्फ इंटीजर में दिखाता है, यानी कि नॉन फ्रैक्शन नंबर में, सिर्फ इंटीजर दिखाएगा ये, ठीक है, इंटीजर को ही दिखाएगा ये, सिर्फ डेसिमल पॉइंट को नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो साइंड डेसिमल दिखाता है ये, तो यहाँ पे जो हमने ये एग्जांपल किया हो ना, ये देखो डी लिखा हुआ है, अब मान लो मैं यहाँ पे डेसिमल में लिख दूँ ना नंबर को तो ये डेसिमल वाला पॉइंट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये दिखाएगा सिर्फ इंटीजर, इसको बोलते हैं हम इंटीजर, आफ्टर डेसिमल जो वैल्यू आती है उनको बोलते हैं हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। ये देखो मैं इसको कर रहा हूँ रिफ्रेश, ये देखो डेसिमल वाला जो है इसने पोर्शन नहीं दिखाया, अगर डेसिमल वाला दिखाना हो तो इसके लिए होता है हमारे पास परसेंटेज एफ, फ्लोट बोलते हैं जिनको हम, आर्ग्यूमेंट कंसीडर्ड एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, तो एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोट, आर्ग्यूमेंट कंसीडर्ड एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ये दिखाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को। जैसे मैं डी की जगह एफ लिखता हूँ तो ये हमें दिखा देता है सारे के सारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। रिफ्रेश, ये देखो ये यहाँ पे आ गया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कहने का मतलब ये है कि D फॉर इंटीजर एंड F फॉर फ्लोट। चलिए अब चलते हैं परसेंटेज B के ऊपर, अब B का क्या काम है, आर्ग्यूमेंट कंसीडर्ड एज इंटीजर प्रेजेंटेड एज बाइनरी नंबर, ये क्या करेगा, कंसीडर इंटीजर एज इंटीजर ही करेगा, प्रेजेंटेड एज बाइनरी नंबर, लेकिन उनको जो ये दिखाएगा तो उसको बाइनरी में दिखाएगा,
जो भी इंटीजर नंबर है ना, जिनको हम इंटीजर नंबर को एंटर करेंगे इसके अंदर, उनको ये बाइनरी में दिखाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये 100.3555 यहाँ पे है, तो ये दिखाएगा, तो ये इंटीजर ही वैल्यू। तो मैं यहाँ से ये पार्ट वाला हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला हमने यहाँ पे इनपुट किया, ये वाले डिजिट, ये वाले इंटीजर्स, इनको ये दिखाएगा ये बाइनरी में। यहाँ पे देखते हैं प्रैक्टिकली, ये देखो 1100010001001, ठीक है। तो बी स्टैंड फॉर बाइनरी, ये बाइनरी स्पेसिफायर है। सी फॉर करेक्टर, आर्ग्यूमेंट कंसिडर्ड एज करेक्टर। अब सी जो है वो सिंगल करेक्टर को दिखाता है, ठीक है। जो भी हम सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं ना, यहाँ पे जो हम कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं, जैसे मान लो ये लिखा, तो ये सिंगल करेक्टर, तो उसके लिए जो स्पेसिफायर होगा उसके लिए बी नहीं होगा, फिर उसके लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे सी। लेकिन हमारी पीएचपी जो है वो एडवांस हो चुकी है, वो स्पेसिफायर को नहीं लेती है, नहीं उठाती है स्पेसिफायर को। जैसे मान लो सी की जगह हम यहाँ पे एस लिख देते हैं, एस को दिखाया है यहाँ पे, ठीक है, सेंटेंस सी में, सी फॉर करेक्टर, सिंगल करेक्टर मतलब यहाँ से। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो काम नहीं करती है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, हेलो सर एम्प्टी है यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए अब यूज कर रहे हैं हम एस, ठीक है, एस फॉर स्टैंड फॉर स्ट्रिंग, ठीक है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग, ये परसेंटेज एस, आर्ग्यूमेंट कंसीडर्ड एज स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको रिफ्रेश, ये देखो हेलो सर और एस को यहाँ पे दिखा दिया इसने, ठीक है। ये देखो, तो आई थिंक ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, आउटपुट टू द ब्राउजर, ब्राउजर के ऊपर हमने आउटपुट कैसे भेजना है और स्पेसिफायर्स कैसे यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।